शुभ अलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराक्यात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तार अली गिलानी नाजरीन जैसा कि आपको मालूम है कि मुबारक के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोग्राम जारी हैं और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और एहतसाब नफ्स नबी करीम सल्ला वसल्लम के फरमान का मफहम है और रमज़ान ईमानसाब ओ फिर मा तकदमिन ही कि जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रमज़ानमबारक का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व ताल उसके सबका गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे इस अहम मौजू पर गुफ्तू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ आलम दीन अजीम स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सैदाल आवान साहब सदर शोब आलू इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर एन पंजाब मुल्तान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अलकम उतरम सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप स्टूडियो से शरीफ लाए आप के लिए एक अहम मौजू है रोज़ा और एहत नफ्स जैसा कि हदीस अभी मैंने पेश की है तो احتساب النفس कैसे मुमकिन है हमारे नाज़रीन को इस हवाले से कुछ बताएं जी بسم इस हदीस में जिसका भी हवाला दिया गया है रमजान के रोजे के लिए दो शरयत जिक्र की गई हैं उन दो शरयत के साथ जब रोजा होगा तो उस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये गारंटी दी गई है कि उसकी पिछली ज़िंदगी के अंदर जो भी कमी बेशी गुनाह है वो अल्लाह ताला माफ़ करेगा एक तो बड़ी बुनियादी शर्त है ईमान की कि ईमान के जज्बे से ईमान के तकाजे से रोज़ा रखना दूसरी चीज़ वो है एहतिसाब। अब ये एहतिसाब दो मानों में इस्तेमाल होता है एक एहत का मफहम यह बनता है कि जिसमें इंसान अपना जायज़ा लेता है कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया हूँ मेरी ज़िंदगी की जो इस वक्त रूटीन चल रही है वो क्या है मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छाइयाँ कर रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ क्योंकि इंसान अपनी ज़ात के बारे में दूसरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जानता है बिल्कुल कि मैंने कौन सा काम किस लिए किया किसी और को मुतम करना कोई मुश्किल काम नहीं होता आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे दें अगला आदमी मतम हो सकता है और मतम न भी हो तो वो चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो कोई किसी की नीयत को जान सके लेकिन एक इंसान अपने बारे में अच्छी तरह जानता है कि कौन सा काम मैंने किस लिए किया इसी वजह से इस्लाम के अंदर किसी भी अमल का जो मुहर्रिक है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है जिसको एक बड़ी मरूफ हदीस जो हमें से अक्सर लोगों को पढ़े लिखे लोगों को याद होती है इन अमल आमआलो बिन नहीं इन अमल की जजमेंट होगी इस चीज़ पर कि आपकी ज़मीर में आपके दिल में क्या गर्ज़ है क्या मकसद है क्या नीयत है उससे अमल की अहमियत पैदा होगी वो आपकी जो गर्ज है वो जितनी बेहतर होगी जितनी आला होगी आपकी नीयत जितनी साफ़ होगी तो वो अमल इतना ही खूबसूरत बन जाएगा और अगर उसमें खामी पैदा हो गई तो अमल अच्छा भी क्यों ना हो वो बेमाना हो जाता मसन जैसे हदीस में कहा गया कि आप कोई भी नेक काम रियाकारी के लिए करते हैं काम तो अच्छा है बिल्कुल मैं नमाज पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा काम है लेकिन मेरा जो महरिक है मेरी जो नीयत है कि इसके ज़रिए मैं लोगों की नज़रों में एक, एक अच्छा, 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 अच्छा इंसान अच्छा बन जाऊँ एक मुअज़्ज़ज़ इंसान बन जाऊँ मेरी करें इज़्ज़त करें या मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मेरे कारोबार को फ़रोग हासिल होगा क्यों कहेंगे नमाजी आदमी है हाजी आदमी है तो हम इससे लन दिन करते हैं और इस तरह मेरे कारोबार को फ़रोग हासिल होगा तो मेरी वो सारी जो इबादत है वो ज़ाय हो गई तो अब ये इंसान ख़ुद अपना एहसाब करेगा कि ये मैं काम किस लिए कर रहा हूँ और रोज़ा इसमें सबसे ज़्यादा इंसान को मुतवजह करता कि मैं एक तन में मौजूद हूँ और उस वक्त मेरे पास खाने पीने के ज़रा भी मौजूद हैं तो मैं अपने नफ्स पर अगर मेरी नज़र होगी तो मैं कहूँगा नहीं अल्लाह देख रहा है बिल्कुल तो मैं कभी भी उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा अब यही कैफियत इंसान की पूरी ज़िंदगी में मुंतकिल होनी चाहिए कि हर वक़्त इंसान अपनी जजमेंट करे जैसे कहा गया ना कि हासीबू कबल तो हासब हो आप अपना ख़ुद हिसाब किताब कर लें कबल इसके कोई कोई और आपका हिसाब किताब करे तो जब इंसान अपनी ज़िंदगी को इस उ पर ढाल लेगा कि मैंने खुद जज करना इसलिए हमें कहा जाता है तालीम दी जाती है कि आप हर रोज़ जब दिन मुकम्मल हो जाता है तो आप पूरे दिन का जायज़ा लें कि आज आपने क्या अच्छा किया आपसे कहाँ कहाँ कोताही हुई और नेक्स्ट डे के लिए आप प्लान करें कि आइंदा के लिए यह गलती हमसे नहीं होनी चाहिए तो रोज़ा तो दर हकीकत इसी चीज़ की तालीम देता है मुबारक के बाबरकत महीने में तो वैसे ही बंदा जब रोज़े के साथ होता है तो वो अपना एहतसा खुद कर रहा होता है देखिए ना वो तो देख रहा होता है ना अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे अंदर क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं वो दुरुस्त हैं गलत हैं मुझे कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए तो चूँकि एक माहौल पैदा होता है क्योंकि पूरे माशरे के अंदर एक रोज़े की फजा होती है और रमजान के मुबारक महीने की जाहिर अपनी फजीलत होती है तो जिसमें इंसान की सोचने की समझने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करती है तो इस वजह से रमज़ान के महीने का और ख़ास तौर पर जो रोज़े का अमल है वो तो इंसान को बार बार तवज्जो दिलाता है कि जो जो भी तुम काम कर रहे हो या जो भी ज़बान से बात कर रहे हो तो उसका ज़रा जायज़ा ले लो कि ये बात करना दुरुस्त है या इसमें किसी को नुकसान होगा किसी की दिल आज़ारी होगी तो रोज़ा यही कंट्रोल सिखा रहा ना कि जब मैं खाने पीने से अपने आप को रोक के बैठा हुआ हूँ तो वो चीज़ें जो वैसी ही नाजायज हैं उसका रमज़ान के महीने से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है तो मुझे उनसे रुकना कितना ज़रूरी है जब मैं जायज़ चीज़ से रुक रहा हूँ जी तो नाजायज चीज़ों से रुकना तो मेरे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, है। तो यही एहतसाब नफ्स इसी को कहा जाता है कि आप बोलने से पहले जिसे कहते हैं तो लें तो लें कि मैं क्या कहने लगा हूँ या मैं किसी के साथ मामला करने लगा हूँ तो अगर इसी तरह का मामला कोई मेरे साथ करे तो मैं पसंद करूँगा कि नहीं करूँगा ईमान की अलामत ही बताई गई कि आप वो काम जो अपने लिए पसंद नहीं कर रहे तो आप दूसरे के लिए भी पसंद ना करें जो चाहते हैं दूसरा आदमी आपके साथ इस तरह पेश आए इस तरह बिहेव करे तो आप भी उसी तरह उसके साथ बिहेव करें अब ये सारी अंदरूनी कैफियात हैं तो एहतसाब के अंदर यही वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर गौरव फिक्र के तौर पर पैदा होती हैं अपने जायज़े के तौर पर पैदा होती हैं अपनी ग़लतियों को दुरुस्त करने के अतबार से पैदा होती हैं तो रोज़े का गोय के बड़ा मौसर किरदार है एहत नफ्स के हवाले से और दूसरी चीज़ मैंने कहा था एहतसाब का एक मतलब और भी है कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं रस्म के तौर पे कर रहे हैं कि सब लोग रोज़ा रखते हैं चले मैं, चले मैं भी, भी रख लेता ले हूँ या मेरे पेश नज़र ये है कि नहीं मैं एक हुक्म इलाही की तामील कर रहा उस हुक्म को मैं पूरा कर रहा हूँ तो उसके नतीजे में जाहिर है कि मेरे अंदर रज़ा इलाही का जज्बा पैदा होगा कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और वही जानता है कि मेरा जज्बा क्या है और मेरी इबादत किस किस्म की है और ये कैफियत वो जानता है या मैं जानता हूँ बिल्कुल इसी जज्बे के साथ जब हम रमज़ान के रोज़े को पेश नज़र रखेंगे अहतमाम करेंगे तो यकी ये एक आदत हमारी पुख्ता हो जाएगी एहतसाब नफ्स की तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ ही साथ जजमेंट करते रहेंगे कि अच्छा किया ये बुरा किया ये गलत हो गया इसकी हम तलाफ़ी करें ये अच्छा हुआ है इसको कंटिन्यू करें इस पर इस्तकाम अख्तियार करें तो इस तरह ये महीना हमें वाक़ता एहतसाब नफ्स के लिए बहुत मौसर तरीक़े से तालीम देता बहुत बहुत शुक्रिया महतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सैदुलरहमान साहब आपकी गुफ्तगु इस तरह से जारी थी दिल तो यही करता था कि आपकी गुफ्तु गुफ सुनते रहें लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है इन एक नए मौजू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे और एक नई मौजू पर गुफ्तु गुफ फरमाएँगे आप तो मैं आपका एक बार फिर तहदिल से मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती लम्हा में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाजरन को बहुत उमदा और मुफीद, मुफीद मालूम फ़राम करते हैं आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन कराम जैसा कि अभी आपने मुलायजा फ़रमाया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सैदुररहमान आवान साहब रोज़ा और एहतसाब नफ्स के हवाले से बड़ी तफसीली और मुफसल गुफगु फरमा रहे थे बहुत काम की बातें हैं कि ये रमज़ानमबारक का बाबरकत महीना ये घड़ियाँ हमें नसीब हुई हैं ये बहुत बड़ी नमत है और हम इन नमत से फ़ायदा उठाएँ और ये जो एहत नफ़्स की बात डॉक्टर साहब ने फरमाई है कि आज हमें मौका मिल रहा है कि हम अपना एहतसाब कर लें इससे पहले कि हमारा एहतसाब किया जाए और ये बंदे का और अल्लाह के दरमियान मामला है तो जब रोज़े की हालत में हम अपना एहतसाब कर रहे होंगे और अल्लाह तबारक व वताल से हम अपने राबे को मज़ीद मजबूत कर रहे होंगे तो इन शह दुनिया में भी कामयाबियाँ हैं और आख़रत में भी कामयाबियाँ हैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इफ्तार अली गिलानी को अब इजाज़त दीजिए फ़ी अमान